हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इंडिया डीटीएच इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है अजित कुमार। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे एलएनबी। जी हाँ दोस्तों, एलएनबी को कैसे चेक कर सकते हैं, इसके लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देख लेना है। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें। और दोस्तों, बेल आइकन घंटी को दबाने से कोई पैसा वगैरह नहीं लगता है, आपको फ़ायदा ही फायदा होने वाला है। कैसे, मैं बता देता हूँ। जब भी हम अपने वीडियो YouTube पे डालेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा और वहाँ से आप लोग जाकर बहुत ही आसान तरीके से वहाँ पे सीख सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे अपना जो LNB है उसे चेक कर सकते हैं। क्या होता है कि मार्केट में जाते हैं और ये ढक्कन आगे की तरफ वाला वो टूट जाता है, तो आप सोचते हैं कि ये LNB बर्बाद हो गया, ख़राब हो गया, और जाते हैं नया खरीद कर लाते हैं और फिर उसको लगा देते हैं और सिग्नल मिलाते मिलाते शाम हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, सिग्नल मिलाते मिलाते शाम हो जाता है लेकिन फिर भी सिग्नल नहीं आता है, तो क्या कारण हो सकता है आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। दोस्तों, आपको LNB चेक करना सिखाऊंगा और सिग्नल सेट करना भी सिखाऊंगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे ठीक करना है, तो वीडियो को एंड तक देखिए। और फिर से मैं बोल रहा हूँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, एक ही बार सब्सक्राइब कीजिए, जो नया व्यक्ति आ रहे हैं वो एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे, बार बार सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार। जी हाँ दोस्तों, एक बार कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आपको मालूम चल जाए कैसे आप लोग LNB और सिग्नल जो है उसे ठीक कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कैसे ठीक करना है। तो यहाँ पे दोस्तों एक एयरटेल का लगा हुआ है और एक दूसरा और LNB निकाल लेता हूँ बैग से। तो देखिए दोस्तों, ये वाला LNB समझेंगे कि ये ख़राब हो चुका है, लेकिन ये ख़राब नहीं हुआ है, ये सर्फ कंपनी का है, देख सकते हैं। ये LNB ख़राब नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें पानी जब तक ढुकेगा, मतलब जैसे बरसात के मौसम में पानी ढुक जाता है तभी ये ख़राब होता है, अन्यथा कभी भी ख़राब नहीं होता है। तो दोस्तों, ये फूट जाता है तो इसमें पन्नी या चिमकी भी इसमें डालकर और बांध सकते हैं। यहाँ से बांध देंगे और इसको लगा देंगे तो 100% हो जाएगा। उसके बाद आपको ये वाला मीटर खरीद लेना है। ये वाला मीटर नहीं है तो मल्टीमीटर से भी आपको चेक करना सिखाऊंगा। तो यहाँ पे मल्टीमीटर है आपके पास तो अच्छी बात है। तो मल्टीमीटर में कैसे ठीक करना है आपको, यहाँ पे दोस्तों पहले LNB चेक कर लेते हैं कि ख़राब है या ठीक। यहाँ पे देख सकते हैं कंटिन्यूटी पे आ जाना है। उसके बाद आपको एक प्लग को, देखिए दोस्तों, एक प्लग को ये माइनस वाले को, सॉरी दोस्तों, ये प्लस वाले को इस बीच में नहीं डालना है, तो अभी भी नहीं डालना है। और यहाँ पे दोस्तों डालना है, यहाँ पे माइनस ये वाला है जो अर्थ का काम करता है, इस पे डालना है और मतलब उल्टा करना है। जैसे कि प्लस भीतर वाला होता है तो माइनस ऊपर कर देना है। देखिए दोस्तों, रीडिंग कर रहा है, देख सकते हैं रीडिंग कर रहा है ना, ऐसा ही करना है। तो देख सकते हैं मैंने कैसे किया है, ये प्लस वाले को बाहर के तरफ अर्थ में ठेका दिया है, मतलब टच कर दिया है, मतलब भोजपुरी में ठेका दिया बोलते हैं, हम बिहार से हैं इसलिए थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। तो ये दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे 502% आपको देखने को मिल रहा है, मतलब रीडिंग कर रहा है, इसका मतलब ये सही है। अब चलिए आपको दिखाते हैं कि हमारा जो सेटेलाइट फाइंडर है कांटे वाला। जी हाँ दोस्तों, ये 250 से 300 रुपये मिल जाता है, इससे भी आप बहुत ही आसान तरीके से सेट कर सकते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कांटे वाले मीटर से कैसे चेक होता है LNB। तो यहाँ पे रिसीवर के जगह हम रिसीवर का वायर डाल देंगे और यहाँ से मीटर में लाइट दे दिए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे लाइट जल रहा है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसको लगा देंगे और एक वायर को हम LNB में लगा देते हैं। देखिएगा दोस्तों, 100% आपको मालूम चलेगा। और बीप की आवाज़ थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। देखिए दोस्तों, ये 100% काम कर रहा है, इसके आगे हाथ लगाते हैं तो ये कांटा हिल रहा है। यहाँ पे भी रख देंगे तो ये कांटा हिलेगा, देखिए
इसका मतलब ये सही है। और इसको भी जो लगा हुआ है हमारे छतरी में उसको भी आपको दिखा देते हैं कि ये भी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये दोस्तों सेट है डीडी फीड डिस्प्ले, आप देखिए देखिए दोस्तों, इसको हम थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर लेते हैं। देखिए आवाज़ कर रहा है ना, देखिए देखिए गिर गया। देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे हाथ लगा रहा हूँ तो ये उठ रहा है, मतलब कांटा बढ़ रहा है, आगे पीछे कर रहा है, इसका मतलब ये सही है LNB। तो ऐसे ही करके बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों आप LNB चेक कर सकते हैं या सिग्नल को भी सेट कर सकते हैं। तो पहले आपको ये सब कर लेना है, उसके बाद ही आपको लगाना है, नहीं तो क्या होगा कि आप लगा देंगे और छतरी नहीं सेट होगा, नया LNB लाएंगे और वो चेक नहीं करेंगे और ख़राब हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।